समूचे देश के साथ असम में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और सुबह लगभग 11:15 पर अल्फा स्वाधीन का मीडिया हाउसेस और पुलिस को एक मेल आता है कि असम के विभिन्न इलाकों में कुल 24 बम लगाए गए हैं। सुबह 6 से 12 तक इन्हें विस्फोट होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते ब्लास्ट नहीं हो पाया, इसलिए बमों को बरामद कर निष्क्रिय किया जाए। उग्रवादी संगठन की ओर से पूरी जानकारी दी जाती है कि बम कहां कहां लगाया गया है। इस सूचना के बाद पुलिस हरकत में आती है और शुरू होता है बम बरामद करने का अभियान। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां कहां बम लगाने का दावा किया गया था। गुवाहाटी के मालेगांव, राजगढ़, भेटापाड़ा, गांधी बस्ती, नारंगी, पान बाजार, दिसपुर लास्ट गेट में बम लगाने का दावा किया गया। डिब्रूगढ़ लखीमपुर में एसटीसी बस स्टैंड में बम लगाने का दावा किया गया। लाकुआ तिनियाली थाने के पास बम रखने का दावा। गोलाघाट और सरूपथार में 2 पर बम स्थापित करने का दावा किया गया। तिनसुकिया के पानीतुला में 2 पर बम लगाने का दावा किया गया। नलबारी, रंगिया, तामुलपुर में बम लगाने का दावा। लालूक, बरहाट, नौगांव में भी बम लगाने का दावा किया गया। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई इलाकों से संदिग्ध विस्फोटक या बम बरामद तो कर लिया है, लेकिन वाकई में ये विस्फोटक ही है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अल्फा स्वाधीन द्वारा 24 जगहों में बम लगाने के दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनी न्यूज़।